टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि इंग्लैंड की टीम ने जहां पहले टॉस जीते हुए बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, वहीं इंग्लैंड की टीम के लिए आज बल्लेबाजी एक बैड लक की तरह रही। दरअसल आपको बता दें कि इंग्लैंड की टीम के धड़ाधड़ विकेट गिरते जा रहे हैं। ऐसे में इंग्लैंड को जो पांचवा बड़ा झटका लगा है वो लगा है बेन स्टोक्स के नाम। जी हाँ, आपको बता दें कि बेन स्टोक्स LBW आउट हो गए वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर। बता दें कि ये अपनी पारी में अच्छी बैटिंग कर रहे थे, 55 रनों पर खेल रहे थे, लेकिन 40वें ओवर की चौथी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर ये चकमा खा गए और LBW आउट हो गए। बता दें कि ओली पॉप के साथ इनकी पार्टनरशिप बनी, इनकी पार्टनरशिप कुछ 42 रनों की बनी थी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच का ये मुकाबला कैसा रहता है। वहीं आपको बता दें कि इंग्लैंड की टीम इस समय 121 पर 5 विकेट के बड़े नुकसान पर है। वहीं इंग्लैंड के बल्लेबाज ओली पॉप और डैन लॉरेंस इन समय मैदान पर मौजूद हैं। ओली पॉप ने अपनी पारी में 14 रन बनाए हैं, वहीं डैन लॉरेंस ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है। देखना दिलचस्प होगा टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच का ये आखिरी मुकाबला कैसा रहता है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट। We'll be right back.